वेलकम बैक न्यू वीडियो का साथ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था फ्रेंड्स, उस वीडियो पर बहुत सारा कमेंट आ चुका है कि सर हम लोगों ने पहले आधार कार्ड बना चुका था लेकिन आधार कार्ड अभी गुम हो चुका है, ठीक है। और ऐसा भी कमेंट आ जाता है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने इनरोलमेंट के लिए इनरोलमेंट किया था लेकिन इनरोलमेंट पेपर गुम हो चुका है, ठीक है, और चूहा ने काट चुका है, अभी तो आधार कार्ड नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। बहुत सारा केस इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, मेरा जितना भी कॉमेंट है इसमें जो है फ्रेंड्स 10% कमेंट तो यही आता है कि सर हम लोगों का आधार कार्ड गुम हो चुका है, अभी नौकरी के लिए नौकरी अप्रूव हो चुका है लेकिन यहाँ पर हम लोग ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है आधार कार्ड का वजह से, ठीक है। तो आपको किस तरह से आधार कार्ड निकलना होगा फुल डिटेल्स पर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा और किस तरह से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना होगा फुल डिटेल्स पर अभी बात करने वाला है। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको 2 स्टेप को फॉलो करना होगा, मतलब 2 टॉपिक अगर फॉलो कर लेते तो आपका आधार कार्ड 100% डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से आपको डाउनलोड करना होगा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको आप लोग अगर इस 2 टॉपिक को फॉलो कर लेते हो उसका बाद अगर आपका आधार कार्ड नहीं होता है, मतलब डाउनलोड नहीं होता है, तो आपका आधार कार्ड कभी भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो 2 टॉपिक मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि अगर आप लोग ध्यान से ये नहीं सुन के डायरेक्टली आपका जो आधार कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाला टॉपिक आपका यहाँ पर काम वर्क नहीं करते तो नेक्स्ट जो टॉपिक बताऊंगा वो 100% वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपका भाई का नाम जान लीजिए कि मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं इलियास कंपनी। सो फ्रेंड्स अभी जो फर्स्ट वाला टॉपिक पर बात करेंगे, जो मैंने 2 टॉपिक के बारे में बात कर चुका हूँ, तो इसमें जो है फ्रेंड्स फर्स्ट वाला टॉपिक पर हम पहले बात करेंगे। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अगर आपका पास कोई एंड्रॉइड डिवाइस है, मतलब एंड्रॉइड फोन है और साथ में जो है फ्रेंड्स लैपटॉप डेस्कटॉप कोई भी अगर आपका पास है तो आप फर्स्ट वाला टॉपिक को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स सबसे पहले हम लैपटॉप का स्क्रीन पर चलेंगे और वहां पर जाने के बाद आपको देखेंगे किस तरह से आपको फर्स्ट वाला टॉपिक को फॉलो करना है। तो चलिए फ्रेंड्स लैपटॉप सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको सबसे पहले टाइप करना है आधार, ठीक है। आधार डाउनलोड आप भी टाइप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आधार डाउनलोड अगर आप लिख के सर्च कर लेते तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गिट आधार का जो ऑप्शन है, जो ऑफिशियली वेबसाइट का ऑप्शन है फ्रेंड्स, आपको इसमें क्लिक करना होगा इस लिंक पर, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते फ्रेंड्स उसके बाद जो आधार कार्ड का जो ऑफिशियली होम पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ये करना है, यहाँ पर माई आधार पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड फोन से कर रहा है तो आपको जो है फ्रेंड्स डेस्कटॉप मोड पर करना होगा, ठीक है। और डेस्कटॉप मोड पर करने के बाद जो है फ्रेंड्स इस प्रकार का ऑप्शन आपका सामने भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए वेलकम टू माई आधार, ठीक है। और यहाँ पर साइड पर देखिए लॉगिंग, तो यहाँ पर लॉगिंग करके जो है फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट कर पाएंगे ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। और किस तरह से आपको करना होगा इसके लिए मैं अलग से और भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और उस वीडियो देखने के लिए जो है फ्रेंड्स इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर डाउनलोड आधार और उसके बाद देखिए ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलने वाला है और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए रेट्रीव ईआईडी आधार नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अलग सा एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स नेटवर्क का मतलब प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए तो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका सामने इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या करना होगा ये बात आपको जो है फ्रेंड्स ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो यहाँ पर टिक मार्क ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए आधार नंबर और साथ में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 12 डिजिट मतलब आधार नंबर, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करते तो आपको 12 डिजिट आधार नंबर मिल जाएगा और आप लोग यहाँ पर क्लिक करते तो फ्रेंड्स आपको 28 डिजिट यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आधार पर टिक मार्क पहले से रहेगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो है आपको आधार कार्ड नंबर निकलना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे इनरोलमेंट आईडी निकलना है तो आपको आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो इंटर नेम का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपका फुल नेम देना है जो आप लोगों ने आधार कार्ड बनाने का टाइम में दे चुका था, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर फुल नेम देना होगा। और फुल नेम देने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है फ्रेंड्स,
आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड बनाने का टाइम में दे चुका था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। अगर आपका पास उस मोबाइल नंबर है तो आप यही से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है अपने सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर देना होगा, और अगर आपका पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे पाएंगे जो उस टाइम पर दे चुका था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैप्सा भरना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा कैप्सा है, तो आपको यहाँ पर कैप्सा भरना होगा, ठीक है। और कैप्सा भरने का बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट से यहाँ पर लिख देता हूँ और आप भी देखिए यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं जो मेरा जो फुल नेम है वो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए नेम टाइप हो चुका है, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सही तरीके से आपको मोबाइल नंबर देना होगा। और मोबाइल नंबर देने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैप्सा, ठीक है, मैं दोबारा से यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको फुल समझ में आ जाए यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कैप्सा फी भर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कैप्सा हो चुका है, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुका है ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, ठीक है। जो जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर यहाँ पर दे चुका है उस मोबाइल नंबर पर जो है फ्रेंड्स ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। तो आपका जो मोबाइल है फ्रेंड्स, उस मोबाइल पर देखिए ओटीपी आ चुका है, तो उस ओटीपी के जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ध्यान से भरना होगा, ठीक है। जो भी ओटीपी पर आ चुका है उस ओटीपी आपको यहाँ पर ध्यान से दे देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं ओटीपी दे चुका हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबमिट वाला ऑप्शन है, तो आपको जो है फ्रेंड्स सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पर योर आधार नंबर, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट आधार नंबर दे चुका है, और बाकी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड करके रख चुका है, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर पर जो है फ्रेंड्स SMS का थ्रू जो है फ्रेंड्स फुल आपको आधार नंबर दे चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। जो आप लोगों ने मोबाइल नंबर दे चुका था उस मोबाइल नंबर पर आधार नंबर आ चुका है, और उस आधार कार्ड नंबर से जो है फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और डाउनलोड करने के लिए जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर फिर से आना होगा, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना है, और यहाँ पर कैप्चा देके सेंड ओटीपी करके फिर से ओटीपी लगा के जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स आप लोग ये फर्स्ट वाला टॉपिक से आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और अभी चलेंगे फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक पर तो जो। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो अभी फर्स्ट वाला टॉपिक देख चुका है, अगर आपको फर्स्ट वाला टॉपिक में काम हो जाता है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट वाला टॉपिक से जो है फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड निकल पाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर फर्स्ट वाला टॉपिक आपको पसंद आ चुका है तो, ठीक है। तो अभी जो है फ्रेंड्स, जो 2 नंबर टॉपिक है उसमें बात करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, जो अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर अगर आपके पास नहीं है तो आपको किस तरह से आपको निकलना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फ्रेंड्स आपका सबसे पहले तो ये करना है कि आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना है 1947, जो आधार कार्ड का ऑफिशियली हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आपको कॉल करना होगा, ठीक है। और इसमें कॉल करने का बाद जो फ्रेंड्स आपको डायरेक्टली कस्टमर केयर से बात करना होगा, ठीक है। जब आप लोग कस्टमर केयर से बात करेंगे फ्रेंड्स, वहां पर जो है फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये बता कि आपका इनरोलमेंट नंबर दीजिए। तो वहां पर जो है फ्रेंड्स आपको ये बताना कि हम लोगों का जो इनरोलमेंट नंबर है वो गुम हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपका नेम और आपका एड्रेस और साथ में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और साथ में आपका पिताजी का नाम या माताजी का नाम, जिसके नाम का साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने आधार कार्ड बना चुका था, ठीक है। आधार कार्ड बनाने के टाइम में जिसका नाम दे चुका था, मदर या फादर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स ये सारा चीज आपको कलेक्ट करना होगा, पहले यहाँ पर एक पेज पर लिख के रखना होगा, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा। और वहां पर कॉल करने का बाद जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि जब वहां पर कस्टमर केयर से बताएंगे आपको कि आपका नेम बताइए, आपका एड्रेस बताइए, तो आपको जो है फ्रेंड्स सही तरीके से यहाँ पर दे देना होगा, ठीक है। और वहां पर जो है फ्रेंड्स आपको पिन नंबर भी देना पड़ेगा, जो आपका पिन कोड है, ठीक है। तो जब ये सारा कुछ दे देता आप वहां पर, तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो 100% निकल के आ जाएगा, ठीक है। जब आपका आधार कार्ड नंबर आ जाता है यहाँ पर, तो आपको जो है फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर से जो है फ्रेंड्स आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो वहां पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का नंबर लेके आपको कोई भी आधार सेंटर पर जाना होगा, और वहां पर जाने के बाद आपको अपडेट करना है मोबाइल नंबर, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हैं वर्तमान में, आप जो यूज कर रहे हैं उस आधार मोबाइल नंबर को आपको लिंक करना होगा। जैसे आप लिंक करेंगे तो उसका बाद जो है फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और आप जो है फ्रेंड्स ऑर्डर भी कर पाएंगे, अगर आपका पास आधार नंबर है तो भी आप लोग जो है स्मार्ट कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। स्मार्ट कार्ड ऑर्डर किस तरह से करना है, इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और उस वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, और
जो है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जहां से देख सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जय हिंद।